गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा दूसरी का नैतिक विषय पढ़ाऊंगी, पाठ आठ स्वच्छता। इस पाठ को मैं आपको छोटे से कहानी के रूप में बता रही हूँ। रोहन सदा साफ सुथरा रहता था। सवेरे उठकर वह अपने शौच के लिए जाता था, उसके बाद हाथ धोकर अपने ब्रश से दांत को साफ करता था। वह रोज नहाकर धुले हुए तथा प्रेस किए हुए वस्त्र पहनता था, बालों में कंघी करता था, फिर हाथ धोकर सुबह का नाश्ता करता था। इसलिए रोहन को घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। विद्यालय जाने से पहले वह अपनी पुस्तकें, कॉपियां, डायरी, पेंसिल, रबर, पैमाना और अपनी आवश्यक वस्तुएं अपने स्कूल के बस्ते में रखता था और समय पर विद्यालय जाता था। विद्यालय में रोहन की अध्यापिका जो थी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके नाखून हमेशा कटे हुए होते थे, उसके जूते हमेशा पॉलिश किए हुए होते थे। हाथ मुंह पोछने के लिए वह रुमाल का प्रयोग करता था। अभी नमन और ईशानी उसके पक्के मित्र थे। ये सभी हमेशा स्वच्छ रहते थे, वे अपनी चीजों को संभाल कर रखते थे। विद्यालय में भोजन अवकाश के समय भोजन करने से पूर्व वे हाथ धोना नहीं भूलते थे, इसलिए इन्हें सभी बच्चे और सभी टीचर्स प्यार करते थे। यदि तुम भी स्वच्छ और साफ सुथरे रहोगे तो तुम्हें भी सब प्यार करेंगे। इस पाठ से भी शिक्षा मिलती है कि हमें सदा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वच्छ विचार पनपते हैं। तो यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ संबंधित प्रश्न उत्तर खालिस्तान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा दूसरी का नैतिक विषय पढ़ाऊंगी, पाठ आठ स्वच्छता। इस पाठ को मैं आपको छोटे से कहानी के रूप में बता रही हूँ। रोहन सदा साफ सुथरा रहता था। सवेरे उठकर वह अपने शौच के लिए जाता था, उसके बाद हाथ धोकर अपने ब्रश से दांत को साफ करता था। वह रोज नहाकर धुले हुए तथा प्रेस किए हुए वस्त्र पहनता था, बालों में कंघी करता था, फिर हाथ धोकर सुबह का नाश्ता करता था। इसलिए रोहन को घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। विद्यालय जाने से पहले वह अपनी पुस्तकें, कॉपियां, डायरी, पेंसिल, रबर, पैमाना और अपनी आवश्यक वस्तुएं अपने स्कूल के बस्ते में रखता था और समय पर विद्यालय जाता था। विद्यालय में रोहन की अध्यापिका जो थी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके नाखून हमेशा कटे हुए होते थे, उसके जूते हमेशा पॉलिश किए हुए होते थे। हाथ मुंह पोछने के लिए वह रुमाल का प्रयोग करता था। अभी नमन और ईशानी उसके पक्के मित्र थे। ये सभी हमेशा स्वच्छ रहते थे, वे अपनी चीजों को संभाल कर रखते थे। विद्यालय में भोजन अवकाश के समय भोजन करने से पूर्व वे हाथ धोना नहीं भूलते थे, इसलिए इन्हें सभी बच्चे और सभी टीचर्स प्यार करते थे। यदि तुम भी स्वच्छ और साफ सुथरे रहोगे तो तुम्हें भी सब प्यार करेंगे। इस पाठ से भी शिक्षा मिलती है कि हमें सदा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वच्छ विचार पनपते हैं। तो यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ संबंधित प्रश्न उत्तर खालिस्तान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।